तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत मिड टर्म पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का जो हुआ था उसके सॉल्यूशन को। तो देख लो फटाफट अपने सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन 1, गद्यांश को पढ़ना था तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखो आंसर। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आंसर देना था। केवलम प्रश्न त्रयम, कोई तीन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कस्य पिता समृद्धा आसीत, तो यहाँ पर लिखा है श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत, तो एक शब्द का आंसर क्या क्या लिखना था, केवल श्रीकंठस्य, ठीक है। फर्स्ट में लिखना था आपको श्री कंठस्य, ठीक है, कंठस्य। अगला, भवने कति स्तंभा आसन, भवन में कितने स्तंभ थे, तो ये लिखा है तस्मिन विशाल भवने चत्वारिंशत स्तंभा आसन, तो एक शब्द में क्या चत्वारिंशत, ठीक है, इसमें लिखना था चत्वारिंशत, ठीक है, ये सेकंड का आंसर था। अगला, श्रीकंठस्य गृहे कति सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्त इस्म, यहाँ लिखा तत्र दस सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति अस्म, तो यहाँ पर एक शब्द में कितना आता, दस, ठीक है। अगला, चौथा, भवनस्य प्रकोष्ठेषु कति गवाक्षाः आसन, तो यहाँ पर लिखा है तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु पञ्चाशत् गवाक्षाः, तो कति गवाक्षाः, तो यहाँ पर आएगा पञ्चाशत्, ठीक है, ये चारों के आंसर। आगे, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, केवलम प्रश्न एकम, कोई एक करना था, पूरी लाइन में आंसर देना था। फर्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण मूर्तय गृहम कीदृशम आसीत, तो इसका आंसर ये है, यहाँ से लिखना था, ठीक है। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत, तस्य से लेके आसीत तक, ठीक है, इसका आंसर है। अगला, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, तो इसका आंसर है तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, और तस्य पे आप लगा सकते थे श्री कंठस्य, ठीक है ना, ये भी लिख सकते थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर तस्य की जगह श्री कंठस्य लगाकर पूरी लाइन लिख सकते थे। आगे, यथा निर्देशम उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम, कोई दो करने थे, तीन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्रियापद पता करना था, तो क्रियापद आपका क्या है, आसीत, ठीक है, घ ऑप्शन राइट था। अगला, इसमें विलोम शब्द लिखना था समृद्धा का, तो इसका होगा गा निर्धना, ठीक है। फिर से देखो, इसमें घा है, इसमें गा है, ठीक है। आगे, इसमें विशेष पद, तो यहाँ पर आपका गृहम था, का, इसमें का राइट है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से द क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको शीर्षक लिखना था, तो शीर्षक यहाँ पर आप मित्रता भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर मित्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है, या फिर लिख सकते हो श्रीकंठस्य भवनम, श्रीकंठस्य भवनम भी लिख सकते हो, ठीक है, उनके भवन के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, शीर्षक अलग अलग हो सकती है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चार लाइन लिखना था चित्र देखकर इन शब्दों से, तो इसे मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, अथवा
या फिर आपको पुस्तकालय पर चार लाइन लिखनी थी निबंध टाइप में, ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ, ठीक है। मिलान करना था तो ध्यान से देखो। फर्स्ट होता वयम संस्कृतम वदामः, ठीक है, फर्स्ट का है। सेकंड का जनाः उद्याने भ्रमन्ति, ठीक है। थर्ड का शिक्षिका श्यामपट्टे लिखति, ठीक है। अगला त्वम जो बच गया, त्वम क्रीडा क्षेत्रे खेलसि, ठीक है। ये इनका आंसर है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर का फर्स्ट, इसमें आपका का ऑप्शन राइट है। सेकंड का ऑप्शन राइट है। थर्ड खा ऑप्शन राइट है। फोर्थ का ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाओ। बाकी मैं शाम को डायरेक्ट ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दूंगा, अभी तक आपके जितने पेपर में देख भी सकते हो कमेंट में। पा प्लस कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पीत्वा। इसमें लिखना था आपको पीत्वा। अगला प्रा प्लस दा प्लस तुमुन तो किसका बनेगा, प्रदातुम, ठीक है। अगला भू प्लस कत्वा तो इसका बनता भूत्वा। इसका बनेगा भूत्वा। गंतुम इसका विच्छेद करना था, इसका क्या बनता, गम प्लस तुम का मतलब तुमुन प्रत्यय, तुमुन, ठीक है। यहाँ पर ऐसे गम प्लस तुमुन, ठीक है। ये पांचवे का आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सिक्स ध्यान से देखो। यहाँ पर फर्स्ट में आपको भरना था कदापि, फर्स्ट में आपका होता कदापि, ठीक है, इतना है ध्यान रखना। सेकंड में यदा आता, सेकंड में आता यदा। थर्ड में अतः, ठीक है। फोर्थ में आपका आता तहिर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये फिल करना था इसमें से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, अट्ठाईस तो 28 की होती है अष्टाविंशति, ये फर्स्ट का आंसर है। 12 इसकी होगी द्वादश, ये दूसरे का आंसर है। 31 एक त्रिंशत, ये तीसरे का आंसर है। 24 चतुर्विंशति, ये चौथे का आंसर है, ठीक है। फिर से देख लो, फर्स्ट में ये फर्स्ट का है, ठीक है। 12 दूसरे का है द्वादश, 31 तीसरे का है, 24 चतुर्विंशत चौथे का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट में विले आता विले, सेकंड में यंत्रेण आता, ठीक है, यंत्रेण। थर्ड में मानवा, थर्ड में आता मानवा। फोर्थ में आता देशस से, ठीक है। खा पे आ जाओ, फर्स्ट में वसंती आता, सेकंड में गा पीवामी, ठीक है। आगे पीवामी, उसके बाद में चर आता इसमें, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ में आपका अकरो का ऑप्शन राइट होता है, ठीक है। तो टोटल मैंने 8 तक आपको समझाया, बाकी शाम को डायरेक्ट आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, आप मैच कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऑप्शनल आंसर आप मैच कर सको। अभी तक आपके जितने पेपर में सबके आंसर अपलोड हैं, दोनों शिफ्ट, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।